अभी स्थिति सामान्य हो रही है और लोगों से आग्रह किया गया है कि वो आपस में मिलजुल कर रहें और सामाजिक सौहार्द बनाए रखें। ड्रोन के कैमरे का भी सहारा लिया गया है ताकि जिनके भी घर पे ईंट पत्थर रखे गए हैं उनको हिदायत दी गई है और पनाह भराया जा रहा है, FIR भी की जाएगी। अभी 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन पर कड़ी से कड़ी जो है हम लोग धारा लगा रहे हैं ताकि आने वाले समय में इस तरह की कोई घटना नहीं हो। हमें यह मैसेज देना है कि जो हमारी सीतामढ़ी की ऐतिहासिक शहर है और जो हमारी मान सम्मान है उसको बचाए रखने की मैं अपील करता हूं लोगों से। साथ ही एक क्वेश्चन लोगों के लिए मैं करना चाह रहा हूं कि क्या ऐसे हम असहनशील हो गए हैं कि दो आदमी के ईंट फेंकने के बाद पूरा जो दो समुदाय आपस में लड़ने लगती है? क्या इतने हम कमज़ोर और कम सोचने वाले हो गए हैं कि दो लोग हमें इतनी बड़ी कम्युनिटी को लड़ाती है? यह सही नहीं है, लोगों को एक बार सोचना पड़ेगा कि हमारी जो सहनशीलता है उसको बनाए रखें और कम से कम वैसे लोगों को जो हम शरारती तत्व है उसको सामने लेके पुलिस को सपोर्ट कर दें ताकि लोगों को मैसेज जाए कि इस तरह की घटनाएँ करना कितना ही निहायत है, क्योंकि ऑलवेज करने वाले कोई होते हैं और मरने वाले कोई होते हैं। ऐसी स्थिति में यह कहना चाहता हूँ कि लोग, सीतामढ़ी के लोग स्पेशली, यह सोचे और विचार करें कि क्या दो लोगों के द्वारा पूरी सांप्रदायिक माहौल बनाया जा सकता है, और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा हम लोग ये कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग गिरफ्तार करना ही बाकी है, जिनको भी मीडिया के द्वारा या हमारे पास जो वीडियो क्लिपिंग है उसमें जो भी लोग दिखाई देंगे, जो भी दिखाई गए हैं, उन पर भी हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और जो दंगा एक्ट है उसमें लगाएंगे ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति फिर से कभी नहीं हो। क्योंकि हमारा जो है, जिस तरह से हम ओपन डिफेकेशन फ्री की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी तरह राइट फ्री डिस्ट्रिक्ट बनाना हमारा संकल्प है, और राइट फ्री डिस्ट्रिक्ट हम सीतामढ़ी को बनाएंगे और लोगों के सहयोग से बनाएंगे।